तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के समापन के अवसर पर चालक प्रशिक्षण केंद्र DTI चरगावा में ऑटो यूनियन के पदाधिकारी, ऑटो चालकों, भारी वाहन के चालकों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालकों तथा अन्य सुलभ महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई गई तथा यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारियों वाले पैम्पलेट का वितरण किया गया तथा नारी मिशन शक्ति एवं COVID-19 से बचाव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं गुड सेमेरिटन अर्थात नेक आदमी एवं हिट एंड रन केस में आम आदमी को मिलने वाली सारी सुविधाओं के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। समापन कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी VK सिंह द्वारा यातायात नियमों की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेंद्र पांडे, AK मिश्रा, संभागीय निरीक्षक प्राविधिक राघव कुशवाहा तथा वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन BK सिंह एवं SP श्रीवास्तव मौजूद रहे। जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाए। हमारे बीच में हमारी कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई हमारी महिला नागरिक भी मौजूद हैं, जो बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों को मैं कोई चीज बताने की कोशिश करता हूँ। मैं थारू क्षेत्र में भी रहा हूँ, लखीमपुर खीरी में, और मुझे काफी आप लोगों के बीच में रहने का अवसर मिला हुआ है। तो वहाँ की बड़ी डेवलप्ड लोग चीज़ों को जानने की कोशिश, वहाँ का जो बुनियादी उनका एक प्रोडक्ट था बहुत अच्छा था, जो कि वो लोग साल और वो जूट का बनाते थे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उनका थारू का एक प्रोडक्ट आया करता था। मेरी समझ से आप लोग भी ग्रामीण से होगी, तो उसमें सरकार के तीन उद्देश्य इस समय है आपके सामने। पहला उद्देश्य है यातायात संबंधी जानकारियों को कैसे उपलब्ध कराएं। दूसरा उद्देश्य है नारी मिशन शक्ति जो है उसके बारे में जो जनता जो रूबरू कराया जाए, कैसे परिचित कराया जाए, इससे आवाज ठीक है कैसे बोलना हो। और तीसरा जो सबसे प्रोग्राम है कि जो चालक कमजोर है, चाहे आप रिक्शा के हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के हो, बस के हो, ट्रक के हो, सभी लोगों को सड़क पे जो भी वाहन लेके चल रहे हो वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे उसके बारे में, अगर एक दुर्घटना घट जाती है तब उनको क्या करना है, दुर्घटना के पूर्व क्या सावधानी बरतनी है, दुर्घटना के पश्चात क्या सावधानी बरतनी है, आप लोगों को ये सब चीज हमको आज बतानी है। तो मैं सबसे पहले कुछ यातायात नियमों पे चर्चा करना चाहूंगा और अपने जो आई टेक्निकल है मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आपको ये दो शब्द रोक है बताए। मनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी हम अब व्हीकल रोड पे मूव कर रहे हैं उससे एक्सीडेंट को कम किया जाए, जो भी चालक है उनको जागरूक किया जाए। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे, ड्राइविंग के नियमों का
पालन करें।